बाद वीडियो आ रही है मेरी कार मोटिवेशन। मैंने अपनी कार के ऊपर बहुत अच्छा मोटिवेशन करवाया है, वो मैं आपको बताऊंगा। आपने तो फ्रेंड्स, ये है शॉप। यहाँ से हमने फोक लैंप्स पवाने हैं और मैट्स भी पवाने हैं। यहाँ से मैंने पहले भी दो काफ़ी चीज़ें पवाई है। ये अपने सरदार जी की शॉप है, नाम मेरे को पता नहीं है, तो वो गए हैं इधर उधर। तो मैट देख रहे हैं, देखते हैं मैट कौन सा डलवाएँ कौन सा नहीं डलवाएँ, मैट पसंद कर रहे हैं। ब्लैक ब्लैक ही बढ़िया लगूगा। सीट कौन सी कलर है? सीट भी ब्लैक ब्लैक ही है। हां तो यही जमेगा। आइए दिखा देता हूं दोनों लोग, ये भी चला देते हैं ना। बढ़िया ऑन रहा है ना? हां हां ऑन रहा है। क्या यार, ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूं। ये ठीक है संदूक रहा, ये ठीक है ब्लैक ब्लैक ठीक है। मिट्टी ज्यादा चिकड़ दिखेगा तो नहीं इसमें? मिट्टी जब दिखेगा तो झाड़ दीजिएगा, पानी मारेंगे सारा निकल जाएगा। कौन से मैट में मिट्टी नहीं दिखेगी हमको ये बताइए। अरे बुरा यहाँ पर ये मैट रखा दिए हैं, ये ठीक है। कलर बहुत ज़्यादा ही ब्लैक ब्लैक, पहले ब्लैक रखा था, ये ज़्यादा ही ब्लैक ब्लैक हो जाता है। देखो तो यही तो ये पीछे मैट कुछ ऐसे अच्छे लग रहे हैं। ये कलर अच्छा है वैसे, ये मैच कर गया ना, ब्लैक भी है थोड़ा, है ना? मिट्टी नहीं जाती है। चल बढ़िया लग रहा है।
दूंगा। मैट तो अपन डल गए फ्रेंड्स। ये है सरदार जी की दुकान, सरदार जी है नहीं अभी, उनसे भी मिला दूंगा आपको। तो यहाँ आपको सारे, दुकान का नाम क्या है, नाम क्या है? सिंह मोटर्स। हाँ तो फ्रेंड्स, ये दुकान का जो नाम है वो सिंह मोटर्स है। यहाँ आपको सारी जो है वैरायटी देखने को मिल जाती है, एक से एक वैरायटी, छोटी से छोटी रिपेयरिंग, एसी रिपेयरिंग सारे हो जाते हैं। ये उनके यहाँ बंदे हैं छोटे से, तो ये सारा काम देखते हैं वो। सरदार जी अभी गए हैं मार्केट थोड़ा सामान समूह लाने, तो यहाँ सारी आपको ए टू जेड चीज़ें मिल जाती है। जैसे भी मैंने मैट पोया, एमबी लाइट्स, हर एक चीज़ मिल जाती है यहाँ से। मैंने वाइपर्स बहुत बड़ी पोए हैं, अच्छा काम है। ये जो मैट है ये अपने 3000 की रेंज में आते हैं, जो आजकल महंगी गाड़ियों में सब लगाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं फॉग लैंप्स, दिखा जरा फॉग लैंप्स। तो फॉग लैंप्स की भी सरदार जी से बात हुई थी मेरी, फॉग लैंप्स की, जो विद डी आर एल आते हैं वो वाले डलवाएंगे फॉग लैंप्स। मेरा बड़ा शौक है फॉग लैंप्स डलवाने का, तो फॉग लैंप्स डलवाते हैं। अच्छा, इन दो, ये दोनों अलग अलग चलेंगे ना, डी आर अलग और वो अलग। हाँ। इनके बटन भी अलग अलग होंगे? बटन नहीं, वो सिर्फ चलेंगे। नहीं है, सरदार जी से बात हुई, सरदार के अलग अलग बटन ला के देंगे हम, कहेंगे तो बटन लगा देंगे, नहीं तो एक पार्किंग पे कर देंगे ये जो है कड़ा, नहीं तो इंडिकेटर पे कर देंगे कड़ा, और ये फोग लैंप है, फोग लैंप का तो चल है ही बटन लग भाई। एकॉर्ड का वो होगा सीट कवर। हाँ, ये तो इसकी बहुत लाइट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बड़ी ज्यादा लाइट है इसकी, काफी लाइट है इसकी, दूर तक जाती है। लास्ट अक्षर इधर तक आ जाए, थोड़ा उधर कर दो, हल्का जा कर दो, थोड़ा ऊपर कर दो बस। फॉग लैंप्स का काम चल रहा है, देखते हैं। ये पुराने वाले फॉग लैंप्स ये खराब हैं, ये पुराने वाले थे ये खराब हो गए, हम नए डलवाते हैं, यहाँ डल जाएगा ऐसे बढ़िया लगेगा, देखते हैं अब। तो ब्रांड डल गई है एलईडी लाइट्स, कुछ ऐसी लग रही है, ये डी आर एल है, ये अंदर का अलग है, अंदर का जो है बटन है वो अलग लगाऊंगा मैं। ये तो इसके साथ है पार्किंग के साथ, जो अपनी पार्किंग चलेगी तो उसके साथ ये भी चलेगी। ये अपना काफ़ी लाइट है इसकी भी, ये देखिए, ये अपने डी आर एल है, ऐसे नई गाड़ी में होता है तो इसके साथ मैच नहीं कर रही, ये पीला बल्ब है ना, तो सोच रहा हूँ ये भी वाइट डलवा दूंगा मैं, देखता हूँ ये वाइट डलवा दूंगा। तो फ्रेंड्स, आया हूँ मैं मटगाट लाने, मैंने वहाँ से खरीद लिए थे मटगाट, ये देखो ये रहे मटगाट, तो यहाँ लगते हैं। ये देखो मेरा ये मटगाट सारा टूटा हुआ है, तो मैं ये रख लूँ ये मटगाट, ये इसका बॉक्स ये मेरे को पूरा 300 का पड़ा था, सिलेरियो का है ये देखो, सिलेरियो मट फ्लैप, मट फ्लैप बोलते हैं इनको, तो इनमें नेट ही नहीं दिया। लास्ट ब्लॉग देखा हुआ कार के ऊपर जो था मेरा, वो था मैंने अपोलो के टायर डलाए थे जैसा आपको पता है, उसके बाद मैंने मॉडिफिकेशन कराई थी, आप देख रहे होंगे कि गाड़ी की लुक बहुत अच्छी लग रही है, जिसमें आप देख रहे हो वो वाइट लाइट जो है, और विद डी आर एल
तो ये अलग चीज है, इसकी मैंने आपको पूरी वीडियो दिखाई थी, मैंने कब लगाया, कैसी इसकी लाइट है वो मैं अच्छे से नहीं दिखा पाया, पर आज रात मैं इसकी आपको दिखाऊंगा कि ये इसकी जो लाइट है वो रात को कैसी लगती है। अभी तो देख रहे हो आपके सामने कैसी लग रही है, पर रात को कैसी लगेगी वो दिखाऊंगा। और मैंने जो स्टिकर्स वगैरह लगाए हैं और मैंने क्या इसमें एक्स्ट्रा किया आपको मैं फिर से बढ़िया तरीके से दिखाऊंगा, और इसका रात का थ्रो कैसा होता है लाइट का वो भी दिखाऊंगा। तो चलो दिखाते हैं आपको लाइट्स और क्या क्या अंदर जो इसका बटन्स वगैरह मैंने स्विचेस वगैरह लगाए हैं वो कैसे लगाए। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जो मैंने करवाया है आगे, जैसे आपको पता था मैंने फॉग लैंप्स लगाए थे। जो फॉग लैंप्स मैंने लगाए हैं वो जो आता है जो लाइट आपकी जो पार्किंग लाइट्स होती है इसके साथ ये चलती है, जब आप ये चलाओगे तो ये लाइट्स जल जाएगी। देखो ये जो ऊपर है ये DRL है, आपको कैमरे में दिखाई दे रहा जो ये है ये DRL है, और विद में इसके नीचे थोड़ी ये LED लाइट है, प्रोजेक्टर नहीं है पर प्रोजेक्टर जैसी है। ये भी चला के आपको दिखा दूंगा मैं, इसका जो स्विच है वो मैंने अंदर लगाया है ये देखो, पर वो जब गाड़ी आप ऑन करोगे तभी चलेगा। और ये जो लाइट्स है ये पार्किंग लाइट्स है बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे आप देख सकते हैं इससे जो गाड़ी है आपकी वो इतनी अच्छी लुक देती है ना, मैं बता नहीं सकता आपको कितनी अच्छी लुक दे सकती है ये स्पेशल मैंने लगाया है लुक के लिए है। और दूसरी चीज़ इसमें मैंने जो स्टिकर्स लगाया है वो ये लगाया है हैस एक्सप्लोर, जो काफ़ी अच्छी इसकी जो अच्छा मतलब बना देता है गाड़ी में। आप देखो जो बटन था वो मैंने यहाँ लगाया है, ये देखो ये जो स्विच है यहाँ पर है, जब इसको दबाऊंगा तब ऑन करेगा, और वो ऑन होती है तब वो चलती है लाइट। जैसे कि अब मैं चाबी लगाऊंगा ऐसे ऑन करूंगा, अब दबाऊंगा अब चलेगा वो, ऑन पे जलता है ऐसे नहीं जलता। अब देख लो इसकी लाइट कैसी है, अभी दिन है ना तो फ्रेंड्स इतना कुछ खास दिखेगा नहीं, वैसे काफ़ी लाइट है, देखो कैसी पड़ रही है लाइट, ये देखो लाइट काफ़ी है। बाकी रात के अंधेरे में इसकी क्या थ्रो है कैसा लग रहा है एक बार फिर से दिखा दूंगा। तो ठीक है अभी बंद कर देते हैं, चलते हैं इसको। ये मेरे को 300 के पड़े थे मटर फ्लैग, ये मैं लेके आया था तो अच्छे हैं ये, काफ़ी अच्छा लगता है इसको, मैंने चारों चेंज करवा दिए थे चारों के चारों, देखो ये भी है तो उधर भी है, तो ये मैंने चारों चेंज करवा लिए थे तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। जैसे आपको पता टायर भी नहीं डलवाए थे मैंने, अभी गाड़ी वॉश नहीं करवाई ज़्यादा तो इसलिए थोड़ी गंदी है, तो आपको पता है मैंने ये भी लगवाए थे, सारा मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी लुक देती है, लुक तो आपको दिखाई दी मैंने। फिर उसके बाद जो मैंने स्टिकर लगाया था वो है पेट्रोल और साथ में छोटी सी गन, ऐसा काफ़ी अच्छा लगता है, मैंने ऐसे लगा दिया था और साथ में यहाँ बनवाया था यहाँ लोग हुक्म का पत्ता गन वगैरह लगाते हैं, तो मैंने तो पंछी बनाया है ठीक है, जैसा भी लग रहा है ऐसा ही लगता है, अच्छी लुक दे देता है गाड़ी पे, मतलब लुक पे लुक करूँगा आपके साथ। कि सबसे पहले मैंने लगाया है पीछे हिंदू, बहुत अच्छा लग रहा है आज की ट्रेंडिंग में लग रहा है, आपको लाल रंग लग रहा होगा पर लाल रंग नहीं है ये हमारा केसरी रंग है ठीक है, थोड़ा ऑरेंज जैसा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ठीक है। ये पीछे से आप जो लुक देख रहे हो इतनी अच्छी क्यों आ रही है, क्योंकि वहाँ संधू लिखा है यहाँ हिंदू और एक हुक्म का पत्ता, नीचे ये लाल का मतलब नज़र पट्टू और आपका ये पट्टा, तो इससे काफ़ी अच्छी लुक दे देती है गाड़ी हमारी। तो ये है कुछ, और इसके जो ब्लैक शेड्स मैंने रखवाए हैं इससे गाड़ी काफ़ी अच्छी लग जाती है, और आपको पता है जैसे मैट तो मैंने डलवाई दिए थे गाड़ी अंदर से भी काफ़ी जो है सीन लगती है। रात को देखो कितनी जो उसकी जो लाइट है जो पार्किंग से लाइट के साथ कितनी ज़्यादा जचती है, रात में जो लाइट काफ़ी ज़्यादा लगती है, ये देखो अंदर बैठ के भी दिखा दूंगा, ये सिर्फ DRL जले हैं ना कि हेडलैम्प्स। अब मैं DRL भी ऑन करूँगा फिर देखना लाइट कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, ये देखो अभी अब कुछ भी लाइट नहीं जगी, मैं ऑन करता हूँ लाइट काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, देखो काफ़ी देखो दूर दूर तक ना इसकी जो सिर्फ ये DRL की लाइट देखो कितनी ज़्यादा है, अभी यहाँ फिर देखो स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं फिर भी काफ़ी थ्रो है इसका, देखो कितना ज़्यादा है ये देखो कितना फ़र्क है जो इसका सिर्फ और DRL का देखो कितना फ़र्क है। अब मैं इसका ऑन करते हैं इसकी जो मेन हेडलैम्प्स है, अब देखो वो जो वो जलता है वो ऑन पे होता है लाइट है, मैं स्विच ऑन करता हूँ ये देखो, अभी मेरा जो है फुली जो है वो लाइट जो है LED वो फुली ओपन हो गई, और देखो आप देख सकते हैं लाइट कितनी ज़्यादा है, अब मैं दिखाता हूँ आपको ये देखो कितनी ज़्यादा जो है इसकी लाइट है थ्रो काफ़ी अच्छा है इसका, बाहर निकल के पूरी सेट करवाई है मैंने लाइट ये देखो काफ़ी लाइट है इसकी देखो
क्या धूप क्यों आ रही है आगे, ये देखो लाइट देखते हो एलईडी कितनी ज्यादा है, कैमरा भी नहीं उठा पा रहा इतनी लाइट है इसकी, एलईडी काफी लाइट है। तो रात को जब होगा ना नीचे काफी अच्छी रोशनी कर देती है ये, जो आपको नीचे गड्ढे वगैरह होंगे वो साफ दिखाई देंगे, तो ठीक है और क्या चाहिए आपको 1400 में। मैं बंद कर देता हूँ देखना, अभी ये बंद की मैंने, अभी ये बंद करूँगा ये और ये, देख सकता कितनी ज़्यादा लाइट है। अब मैं अपनी मेन लाइट भरूँगा और लाइट देखो कितनी ज़्यादा होगी, तो काफ़ी ठीक है लाइट। तो ये थी इसकी लाइट, कुछ ऐसी लगती है रात में। ठीक है तो फ्रेंड्स, ये जो आपको देखा है मैंने आपको, इसमें रेट बता देता हूँ, इसके रेट क्या कहे थे। जो मेरे को फोग लैंप्स पड़े हैं वो 1400 रुपये के मेरे को फोग लैंप्स पड़े हैं, विद उन्होंने जो लगाया है लेबर वगैरह लेके, ये 1500 लगा लो। बट क्योंकि जो स्विच है, स्विच मेरे को इन्होंने 200 का लगाया, कहते हैं स्विच लगाना पड़ेगा, तो उसके 200 इन्होंने एक्स्ट्रा लिए, तो मिला जुला के कम करके मेरे को 1600 रुपये का इन्होंने जो है मेरे को फोग लैंप्स डाले। और जो मैट थे वो मेरे 1200 रुपये के थे। ठीक है, जो मैंने स्टिकर्स वगैरह लगाए हैं इस पर टोटल खर्चा मेरा 500 से 600 के बीच में आ गया है इस टोटल स्टिकर, तो ज़्यादा खर्चा नहीं है, आप भी बहुत सारे से करा सकते हो आप ये सारा जो मैंने करवाए हैं। बस टायर तो मेरे को थोड़े महंगे पड़ गए, जैसे बताया था आपको मेरे को 7000 के दो अपोलो के टायर पड़े थे, जो एक था 3200 का अलाइनमेंट बैलेंस पा के, तो ये ऐसे खर्चे कुछ। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।